हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अमित ट्यूटोरियल टूल्स में। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग NSTI हावड़ा से अभी CITS कर रहे हैं और 2021-2021 हम लोग का बैच है, ठीक है। और आप लोग जो आने वाले हैं CITS में एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोगों को वेलकम करते हैं। और अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि CITS का इंट्रेंस जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपना रिजल्ट चेक कीजिए। रिजल्ट आप लोग निमी ऑनलाइन एडमिशन .in से चेक कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग जो है एप्लीकेशन किए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे, तो वहीं से आप लोग वहीं पोर्टल से वहीं पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अपना स्कोर जो है यहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए। और आगे जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, कॉलेज कैसे चुनना है और कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाला है, उन सारे सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना है, और जो भी स्टडी मटेरियल्स आप लोग को चाहिए सारा हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को गाइडिंग देते रहेंगे और आप लोग सारा चीज़ मिलेगा जानकारी। जैसे आपको हावड़ा का जानकारी चाहिए NSTI हावड़ा के बारे में, कि कैसा हॉस्टल फैसिलिटी है, कैसे क्लासेस वगैरह होता है और कितना यहाँ पे खर्च आएगा, ठीक है, क्या क्या सुविधा मिल रहा है, तो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे समय समय पर। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ अमित भाई कहना चाहेंगे तो जैसा कि ओम भैया सब बता दिए आप लोगों को, तो आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए और आपको क्या जानकारी चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों को बनाने में सुविधा होगा। और जितना भी स्टडी मटेरियल्स होगा, चाहे जो भी ट्रेड हो, हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जितना भी जानकारी, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप तैयारी करें CITS करने के बाद, वो भी इस चैनल से आपको जानकारी मिलेगा। और किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी का यदि कम स्कोर आ भी रहा है तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, काउंसलिंग अभी 2-3 स्टेप में होता है। फर्स्ट काउंसलिंग होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड काउंसलिंग होगा और ओपन काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। तो एडमिशन सबको मिल जाता है और थोड़ा सा यदि पेशेंस रख के हम लोग सारा तरीका बताएंगे, ठीक है, तो फिर अच्छे अच्छे कॉलेज फिर कम मार्क्स वाले को भी मिल जाता है बाद में, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग बताएंगे, तो आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अपना स्कोर देखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। बस याद रखना CITS में कोई काट ऑफ मार्क नहीं होता है, ठीक है ना। आपका जितना स्कोर होता है आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। हाँ, आपको जो कॉलेज मिल जाए पहले, ठीक है ना, अब बाद में बता देंगे कैसे करना है, उसमें एडमिशन ले लें, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कम जैसे आप लोगों का अभी रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो 2-4 दिन में आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो उसमें काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होता है, कैसे कॉलेज वगैरह चुनना पड़ता है, ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हम फिर अगले वीडियो में देंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को कमेंट करना है कि आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो रखते हैं।